नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल जगत से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए थे। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। क्या है राजीव गांधी खेल रत्न और मेजर ध्यानचंद का इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। '91-1992 में हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 1991-1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को सम्मान पत्र अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अब तक कुल 45 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा ओलंपियन हाई जंपर परियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा और रेसलर विनेश फोगाट को यह अवार्ड दिया गया है। 3 हॉकी प्लेयर्स को मिला खेल रत्न अवार्ड। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में अब तक 3 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। इसमें धनराज पिल्ले को 1999 और 2000, सरदार सिंह को 2017 और रानी रामपाल को 2020 में यह अवार्ड दिया गया था। हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। भारत में ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। वो ड्यूटी के बाद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए उन्हें ध्यानचंद कहा जाने लगा। उनके खेल की बदौलत ही भारत में 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे। तब एक स्थानीय अखबार ने लिखा था, ये हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तभी से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कोरोना काल एक और जहां लोगों के लिए मुसीबत बन के आया, वहीं इस कोरोना काल का शिक्षा माफियाओं ने खूब फायदा उठाया है। आपदा को अवसर में बदलकर बता दे कैसे भरी जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये शिक्षा माफिया दे रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला जालौन में SR पब्लिक स्कूल से सामने आया है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि स्कूल ने बच्चों के अभिभावकों से रुपए लेकर नंबर देने और कम नंबर वाले छात्रों को टॉप कराने का काम किया है। बता दें कि ये पूरा मामला जालौन के नगर उरई का है, जहां पर बच्चों के अभिभावकों ने SR पब्लिक स्कूल के विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले जिन बच्चों ने स्कूल के टीचरों से ट्यूशन ली, उन्होंने उनको अच्छे नंबरों से पास किया है और उनको टॉप कराया गया है, और जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लिया उनको औसतन मात्र पास ही किया गया है। वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर कम नंबर होने के बाद भी पैसे लेकर टॉप दिखाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही इसके साथ ही बता दें, उन्होंने बच्चों की कॉपी दिखाने की मांग कर स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक भगत पटेल का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और किसी ने भी लिखित रूप से शिकायत नहीं की है, और अगर उनके पास शिकायत आती है तो मामले की जाँच की जाएगी। मैं ऐसा पब्लिक स्कूल पढ़ता हूँ क्लास 10th में। यहाँ पे ये बच्चों की देखी जा सकती है क्लास, जैसे कि 10th में हेजल हेजल काफी बहुत से लड़के हैं जिनको कुछ लिखना तक नहीं आता है, उनकी आज 81-90% बन रही है। जो बच्चे दिनरात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आज 45-50 ये बन रही है। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? और यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, घूस ली जा रही है। बताइए क्या करें, जिनके पास पैसा है वो लोग दे देते हैं, तो नहीं दे पाते बेचारे। उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है सर?
आपने किससे शिकायत की है? हम लोग अभी तो पहली बात तो स्कूल के प्रबंधक से बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग डीएम ऑफिस तक जाएंगे, आगे नहीं सुनेगा आगे तक जाएंगे हम लोग। ऐसा पब्लिक स्कूल क्या करेंगे? जब वो यहाँ आया था, नाइन्थ में हमने एडमिशन कराया था, तब के बाद से एग्जाम नहीं हुआ। इनका कहना है कि कारण हम पहला 3 साल का इनका रिपोर्ट देख रहे हैं, जब उसको 3 साल हुए ही नहीं, तो फिर 3 साल का रिपोर्ट कैसा, फिर उसके नंबर इतने कम कैसे आते हैं भैया। और दूसरी बात ये, जब वो चाहते हैं कि कानाम इनका स्कूल रिजल्ट खराब आया है या क्या आया, जब टीचरों से बात की जाती तो वो टीचर कहते हैं कि नहीं मेरी बात, मतलब मैंने पहले ही समझाया था। मतलब समझाने का मतलब क्या होता है? क्या समझाया था तुमने? या तो तुम हमसे फीस लेना चाहते थे या फिर बच्चे को पढ़वाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? उनका मतलब है कि हम पहले आपको समझाया था, हिंट दी थी। क्या हिंट देना चाहते थे? मतलब रिजल्ट के बारे में आप हमको क्या हिंट दे रहे थे? उसके बाद फिर हम जब सुबह से यहाँ आए, हम उनका सामना करना चाहते, सामने आ ही नहीं रहे हैं। किस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है? हमारा बच्चा एसआर पब्लिक स्कूल। क्या मामला है आज आप लोग? मामला ये है कि इन्होंने प्री बोर्ड एग्जाम देने के लिए सिर्फ इतना ही लिए बोला था कि आप प्रेजेंटी दीजिए, यहाँ पर अब्सेंटी नहीं होना चाहिए, आपको जो लिखना हो, जो आता हो वो लिख दीजिए आप, क्योंकि मार्क्स हम स्कूल से भेजेंगे। और आज ये इन्होंने कर दिया है कि जो बच्चों ने जो लिखा है उतने ही मार्क्स इन्होंने बोर्ड को भेज दिए हैं, उसी के आधार पे इन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनवा दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ लिखना भी नहीं आता था, नाइन्थ में फेल हो गए थे, उनको दोबारा से एडमिशन दिलवाया गया है टेंथ में, और उनकी आज 71% और 80% बनी है। किस बेस पे बनी है? क्यों? वही तो हम पूछना चाहते हैं। कॉपियां नहीं दिखा रहे हैं हमें। आप अपने बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाते थे? कोचिंग पढ़ते थे, और जो इस सब्जेक्ट पढ़ाता था इस स्कूल में टीचर, हमने उससे पूछा। क्या नाम है उनका? राहुल गुप्ता सर। मैथ में 80 में से 8.5% नंबर है, 8.5 नंबर है ओनली, तो क्या इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया? हमारा बच्चा 5th से पढ़ रहा है स्कूल में। कल बोला गया था किसी ने, यहाँ टीचर ने बोला था कि हम बैकग्राउंड देख के बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं, तो हमारा अगर तुम 3 साल का बैकग्राउंड देख रहे हो, हमारा बच्चा 5 साल से पढ़ रहा है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी और बच्चों के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है मुझको, लेकिन चूंकि अभी लिखित में मेरे पास ऐसी कोई मतलब शिकायत नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आपने बताया है, तो इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि बच्चों को, अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि बोर्ड, कोई भी बोर्ड, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE या हमारा UP बोर्ड, सभी ने जो इस बार रिजल्ट निकाला है वो औसत दर्जे से निकाल के बनाया है, तो चूंकि उसमें एक विकल्प दिया गया है और एक व्यवस्था दी गई है कि जो भी छात्र या बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो उनको एक मौका दिया जाएगा, उनकी परीक्षा कराई जाएगी, और वो यहाँ यदि प्रत्यावेदन इस आशय का देते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं और हमारी परीक्षा करा दी जाए, तो हम दोबारा जो है उनकी परीक्षा करा देंगे। देश के जाबाज बॉक्सर सतीश यादव के नोएडा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सतीश यादव नोएडा के गाँव बहलौलपुर में सपा के छात्र सभा नेता अतुल यादव के घर पहुंचे, जहां इस दौरान ग्रामीणों के साथ साथ गांव के युवा खिलाड़ियों ने भी सतीश यादव का बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक के दौरान टांके खुल जाने के बाद भी चोटिल अवस्था में खेलने को लेकर उनके जज्बे को ग्रामीणों ने सलाम किया है। देखिए ये रिपोर्ट। लग रहा है कोई बात नहीं, दोबारा से सिल जाएगा, लेकिन अपने इंडिया के लिए तुझे खेल का नया ऐसे नहीं है। टोक्यो ओलंपिक के बॉक्सर सतीश यादव नोएडा के गांव बहलोलपुर में छात्र सभा अध्यक्ष अतुल यादव के घर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर सतीश यादव के नाम के नारे लगाए, और टोक्यो ओलंपिक के दौरान चोटिल अवस्था में भी आखिरी दम तक लड़े सतीश यादव ने बताया कि 13 टांके लगे होने के बावजूद भी बॉक्सिंग रिंग में उतरना काफी खतरनाक था। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें नॉट फिट बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे देश के लिए खेलना था और मैं रिस्क लेकर रिंग में उतर गया। हाँ, मुझे मेडल न मिलने का मलाल जरूर रहेगा, लेकिन देशवासियों से जो प्यार मिला है मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य में देश के लिए गोल्ड लाने की कोशिश करूँगा। बॉक्सर सतीश यादव ने बताया कि कोच चनंदा आइचिया कट्टपार के द्वारा बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई थी और इसका परिणाम सबने देखा। साथ ही साथ सेना में भर्ती होने के दौरान मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं इस खेल में इंटरेस्ट दिखाऊं,
लेकिन धीरे धीरे मेरी लगन इस खेल में लगने लगी और इस खेल की ओर मेरा रुझान बढ़ता चला गया, जिससे कि आज मैं अपने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में खेल पाया हूँ। आपको बता दें कि बॉक्सर सतीश यादव के परिवार में पिताजी सेना में कार्यरत थे और उन्हें टोक्यो में खेलने के लिए पिताजी के द्वारा ही प्रोत्साहित किया गया। सतीश यादव ने बताया कि जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि चाहे जो हो जाए लेकिन तुम देश के लिए खेलना, तो मैंने अपनी चोट की परवाह नहीं की और खेलने के लिए तैयार हो गया। साथ ही साथ मैं देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि देश के सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान करें और आने वाले युवा पीढ़ी का रुझान खेलों की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में बॉक्सिंग किस लेवल पर है वो दुनिया में काबिले तारीफ है। इस तरह से देश के सभी खिलाड़ी खेलते रहें तो हमारे पास कई गोल्ड मेडल होंगे। जी बिल्कुल, देखो जब मैं पहली बाउट खेल रहा था जमैका के साथ तो मेरे कट लग गया था जिससे मैं जीता था, लेकिन परिश्रम करे बिना तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैंने कोचों से भी बात करी, उन्होंने पहले मेरे लिए मना कर दिया था कि भाई मत खेल, लेकिन ओलंपिक एक ऐसा गेम है क्योंकि शायद वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस वेट में मैं पहला बंदा हूं जिसने क्वालिफाई किया था, और मैं मेडल वाली बाउट छोड़ देता तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये रहता कि यार तू क्यों नहीं खेला था कट लगने के बाद, ऐसे कुछ नहीं है। फिर मेरे पापा से भी बात करी थी, पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था, उन्होंने मेरे लिए मैसेज भी छोड़ा था कि बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन बिना खेले नहीं आना है, कैसे भी कट लग रहा है कोई बात नहीं है दोबारा से सिल जाएगा, लेकिन अपने इंडिया के लिए तुझे खेल के आना है, ऐसे नहीं आना है। आपको डॉक्टरों ने अनफिट कहा था, उसके बावजूद भी आप खेले, डॉक्टरों कैसे मनाया आपने? जी बिल्कुल, पहले डॉक्टरों ने मना कर दिया था क्योंकि मेरे डीप कट लगा हुआ था मेरी चिन पे, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर मैं बोला नहीं मुझे खेलना है, फिर उन्होंने मेरा प्रेस करके दबा के देखा उन्होंने, तो फिर बोले नो आर यू श्योर कि आप खेलने के लिए तैयार हो, तो मैंने जैसे उनको यानी मनाने की कोशिश करी लेकिन वो बाद में मान गए थे। आप इस जोश के साथ देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा देश के जितने भी युवा साथी हैं कि जहाँ भी अपने जैसे कोई गेमों में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि अपना देश का नाम रोशन करें और खुद भी स्वस्थ रहें। देखो खेल एक ऐसा है ये खिलाड़ी के लिए, यानी कि गेम ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा जीवन भर स्वस्थ रहता है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे इंडिया के खिलाड़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेल पे ध्यान दें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जी देखो पहले कभी बॉक्सिंग नहीं करी थी मैं, 2008 में आर्मी में भर्ती हुआ था, आर्मी में भर्ती होने के बाद ही मैंने गेम शुरू करा था क्योंकि बॉक्सिंग के बारे में मैं कभी जानता नहीं था। गाँव में तो कबड्डी खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, वही होता है, लेकिन जहाँ वहाँ पर मैंने देखा कि बॉक्सिंग भी होती है तो कोच थे कुछ जिन्होंने मेरे को देखा के और पूछने लगे कि भाई बॉक्सिंग करोगे, तभी से मैंने बॉक्सिंग को अपना चुन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सुल्तानपुर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी के काफिले में आज नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों का काफिला तो निकाला ही गया, साथ ही कई गाड़ियों पर मानक के विपरीत हूटर भी बजाए गए। आपको बता दें कि इरफान अली को सुल्तानपुर का प्रभारी बनाया गया है और वो संगठन विस्तार और समीक्षा बैठक करने यहां पहुंचे थे, जहां जब इरफान सुल्तानपुर में संगठन विस्तार और समीक्षा बैठक करने कार्यालय जा रहे थे तो रास्ते में इनके काफिले ने नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई और दर्जनों गाड़ियों का काफिला तो था ही, साथ ही कई गाड़ियों में हूटर भी बजाया गया। सड़कों पर भी इनके समर्थक इस कदर चल रहे थे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। पीलीभीत जनपद के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले नौगवा पकड़िया मोहल्ले में शराब पीने के दौरान पानी के लेन देन को लेकर वहीं के रहने वाले रफीक उल्ला ने 22 वर्षीय युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर फौरन पुलिस पहुंची और घायल शाबेस को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको बरेली रेफर कर दिया गया है। बता दें जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई, वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्यारे रफीक उल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शराब पीने के दौरान दोनों की आपस में कहासुनी हो गई थी। ये थाना सुनगढ़ी में कल रात को 10:30 बजे के आसपास ये दो दोस्त थे रफीउल्ला और कल्लू, ये आपस में बैठ के शराब पी रहे थे और इन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ
और उसमें रफीउल्ला ने सब्जी काटने के चाकू जो है वो कल्लू को मार दिया। कल्लू इस घटना में घायल हुआ, उसको तत्काल बरेली को इलाज के लिए ले जाया गया जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। इसमें थाना सुंदरी पे एक FIR पंजीकृत की गई है धारा 302 में, और जो अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। मथुरा के राया में एक महिला ने राया के ही एक युवक पर शारीरिक शोषण और मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें युवती ने आशीष अग्रवाल नामक युवक पर आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल से युवती को शादी का झांसा देकर वो उसका शारीरिक शोषण करता रहा है, और इसके साथ ही महिला ने युवक और उसके परिजनों से अपनी और अपनी बेटी की जान को खतरा भी बताया है। महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हरदोई के लोनार के सकरौली में मकान बनाने को लेकर नींव खोदने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, और इस मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। इस विवाद में दोनों पक्षों के साथ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि गाँव निवासी रमेश का परिवार के ही दिनेश से विवाद चल रहा है, और इसी विवाद के बीच मकान बनाने के लिए नींव खोदी जा रही थी। इसी नींव की खुदाई के दौरान एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और जमकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, और इस मारपीट में रमेश, उनकी पत्नी पिंकी, बेटी पूजा और बेटा अंकित घायल हो गया है। वहीं मामले में SP ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। पीलीभीत में BED की प्रवेश परीक्षा को लेकर DM पुलकित खरे ने शहर में बनाए गए 5 अलग अलग परीक्षा सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने ड्यूटी पर तैनात सभी मजिस्ट्रेट को COVID-19 के नियमों का पालन कराते हुए नकल विहीन प्रवेश परीक्षा कराए जाने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि पीलीभीत में BED प्रवेश परीक्षा को लेकर शहर के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में ये परीक्षाएं चल रही है, जिनमें राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सिद्दीकी इंटर कॉलेज सहित रामा इंटर कॉलेज में ये परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं COVID-19 को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जा रही है, और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। अपने रामा कॉलेज का निरीक्षण किया, किस चीज को लेकर किया? जनपद में और पूरे प्रदेश में जो BED की परीक्षा का आयोजन करा जा रहा है, उसी को चलते हुए पीलीभीत में भी 5 सेंटर हैं, 4 केंद्र हैं जहाँ पे आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पे सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और ये परीक्षाएँ सुचितापूर्ण तरीके से हों, संपन्न हों, इसी को देखने के लिए मेरे द्वारा रामा कॉलेज का और भी अन्य कॉलेजेस का आज निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे हम लोग परीक्षा सकुशल संपन्न करें। सर, सुबह उपाधि महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया वहाँ पे? वो निरीक्षण भी इसी क्रम में करा गया था कि सारे मजिस्ट्रेट, सारे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर समय से पहुँचें। नकल विहीन परीक्षा कराना प्रशासन की, शासन की मंशा है, और उसी को देखने के लिए ये निरीक्षण करेगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे जनपद में है ये नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा होगी। यूपी के ललितपुर में महिला को जलाकर मारने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल पहुंचे पति ने पत्नी के मायके जाने से मना करने पर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और खुद को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं घटना के दौरान पति के अलावा आग बुझाने पहुंचे मामा भी झुलस गए हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों में दहेज को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, और पूरा मामला सदर कोतवाली के गोविंद नगर मोहल्ले का है। दरअसल युवती के परिजनों के अनुसार कीर्ति नाम की युवती की शादी 17 मई को सदर कोतवाली के नेहरू नगर मोहल्ले में रहने वाले दीपक से हुई थी।
शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों लोगों में दहेज को लेकर विवाद होने लगा और जिसके बाद पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की वजह से कीर्ति अपने मायके में आकर कहने लगी थी। वहीं जब बीती रात दीपक अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए पहुंचा उसके घर तो ससुराल पे ही कीर्ति को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पति अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा था और इसी पेट्रोल को छिड़ाकर उसने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया और खुद को भी आग लगा ली। जब कमरे में से चीख पुकार की आवाज सुनी तो कीर्ति के परिजनों ने आनंद फानन में मोहल्ले वालों की सहायता से कमरे का दरवाजा तोड़ा और आग को बुझाया, लेकिन तब तक दोनों पूरी तरह से झुलस चुके थे और दोनों को इलाज के लिए अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को झांसी रेफर कर दिया है। वहीं युवती को बचाते समय उसके मामा पूरन भी आग में झुलस गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। धोखे से आओ सो हमने की बेच जाओ, पानी पी लो, चाय पी आई, हमने की बेग में कया रखे सो बस हमने कई धोखे से घुस के पूरे कमरा में पूरा कमरा बाड़ा रो मोड़ी को बाड़ा रो कून के दूर भाग जाओ। कमरे में कौन था? कौन कमरा में मोड़ी जाती तो कहते हमें तो पहुंचा दो, तुम इसी बगैर पहुंचा हम निशान होके लो आ जाओ जो है और हम निशान होके लो आ जाओ जो बस कहते हम तो लो आ जा रहे सो बस जब बस वो घुस के घर में जल्दी गेट लगा के वो बस पाले तेल पूरी बोतल में बैग में बैग भर के काटा लिया तो दरवाजे बंद कर लीजिएगा। आप लोगों ने गेट तोड़ने का प्रयास नहीं किया पहले के जब ऐसा कोई घटना वो बच्चा तुमने तेल डाल के धारे तो वहीं कासगंज के थाना सिद्धपुरा के गांव ढुंडोरा में एक युवक ने प्रधान और उसके अन्य दो साथियों पर उसे गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। गांव ढुंडोरा निवासी घायल युवक भूपेंद्र ने बताया कि वो सिद्धपुरा से वापस आ रहा था और इसी दौरान गांव का प्रधान उसे रास्ते में मिल गया और उसे बुलाकर वहीं ले गया, जहां प्रधान के दो अन्य साथी पहले से ही मौजूद थे। युवक ने बताया कि इस दौरान टावर बनने को लेकर वहां विवाद होने लगा, जिसके बाद प्रधान और उसके दो साथियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की और उस पर गोली चला दी। वहीं पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल परीक्षण भी कराया है, पर अब तक पुलिस द्वारा कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ढुंडरा से सैलोट मार गया, वहाँ पर बंटू प्रधान की समर थी, वहाँ पर मुझे समझौता के लिए बुलाए, उन्होंने ले गए वहाँ, वहाँ पर चार पांच लोग ये लड़के बैठे थे, वहाँ से जब समझौता नहीं बना। किस बात का समझौता? ये हमारे खेत में टावर लग रहा था तो उस टावर को लगने नहीं दे रही है और कह रहे थे कि जब तक टावर नहीं लगने देंगे जब तक इसमें पाँच विषय हमें जगह नहीं दोगे बरात घर के लिए तब तक टावर नहीं लगने देंगे। ना वो जमीन किसकी है? हमारा ग्राम पंचायत की है या फिर? हमारा खेत है। आपका निजी खेत है? निजी खेत है, उसमें हम कार्य करा रहे थे, उन्होंने रोक दिया और इन्होंने बदतमीजी की, मारने की धमकी दी। तो किन लोगों ने? बंटू प्रधान ने। अच्छा हाँ। अकेले थे या और भी लोग थे? बंटू प्रधान थे और ब्रिजेश वगैरह, ब्रिजेश और रजनीश, ये लोग धमकी दे चुके हैं हमें पहले भी, हमने इस बात की तहरीफ भी दी एम साहब को आने में आके, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। अभी तहरीफ कब दी है? कल दी थी हमने, कल रात ही दे दी। हाँ, रात दी है, ऐसे चार पाँच छः का टाइम होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।